आपने कभी नोटिस किया है कि तेज स्पीड से दौड़ते हुए एकदम से खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल क्यों होता है? सिमिलरली, अगर कोई हैवी लोडेड ट्रक तेज स्पीड से चल रहा है तो उसको बिना ब्रेक लगाए रोकना इम्पॉसिबल होता है। और इसी तरह से ट्रेन को स्टेशन पे रुकने के लिए ब्रेक अप्लाई करने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी सिचुएशन में मूविंग बॉडी का एकदम से खुद को रोक पाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे अंडर द लॉ विच इज गिवन बाय सर आइजिक न्यूटन। इस लॉ को ही हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम एग्जैक्टली। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से। मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे किसी भी बॉडी के मोशन को हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इंटू वेलोसिटी। इट मीन्स P इज इक्वल टू एम इंटू वी। और मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चलिए मोमेंटम को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमने 3 केसेस कंसीडर किए हैं। सबसे पहले केस 1 को समझते हैं। सपोज एक पर्सन एक रोड पर स्टैंडिंग पोजीशन में है। अचानक से एक बाइसिकल जिसका मास 40 केजी है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पर्सन को हिट करती है। इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि पर्सन रोड पर गिर जाएगा और केवल थोड़ा इंजर्ड हो जाएगा। अब सेम पर्सन को केस 2 में कंसीडर करते हैं। इस केस में भी अगर पर्सन रोड पर खड़ा हुआ है और सडनली एक हैवी लोडेड ट्रक जिसका मास 2000 किलोग्राम है पर्सन को सेम वेलोसिटी यानी 60 मीटर पर सेकंड से हिट करता है, तो इस केस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हैवी लोडेड ट्रक से टकराने पर पर्सन की डेथ हो सकती है या फिर वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ सकता है। अब अगर इन दोनों केसेस में आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में पर्सन को बहुत कम चोट आई और सेकेंड सिचुएशन में उसकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई, शायद आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मासेस। और अगर आपका आंसर यही है तो आप 100% सही हैं। चलिए अब दोनों केसेस में मोमेंटम को कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। केस 1 में मास ऑफ बाइसिकल इज 40 केजी एंड वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो चलिए मास एंड वेलोसिटी की वैल्यूज को मोमेंटम के फॉर्मूले में रख कर देखते हैं। सो P इज इक्वल टू होगा 40 kg इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर मोमेंटम की वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू 2400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइए अब मोमेंटम को केस 2 में भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इन केस 2 यू कैन नोटिस दैट मास ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 60 मीटर पर सेकेंड। सो चलिए इस केस में भी मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास और वेलोसिटी की वैल्यूज रखने पर P इज इक्वल टू होगा 2000 किलोग्राम इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने पर मोमेंटम आएगा 120,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। So you can notice that momentum of bicycle is less than momentum of truck. और momentum कम होने की वजह से ही case 1 में person only injured हुआ, जबकि case 2 में person की condition बहुत serious हो गई। आइए अब case 3 को भी discuss कर लेते हैं। Does the stationary body possess momentum? इट मीन्स अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि अगर बॉडी ने मूव करना शुरू नहीं किया है, तो उस केस में मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? आइए कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक कार है जिसका मास हमने m कंसीडर किया है। आप m के प्लेस पे कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं।
नाउ सपोज कार रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि कार ने चलना शुरू नहीं किया है। इट मींस v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इनटू v। सो इन दोनों वैल्यूज को हम मोमेंटम के फॉर्मूले में रखते हैं। सो अब p इज इक्वल टू होगा m इनटू 0 मीटर पर सेकेंड। इट मींस मोमेंटम की वैल्यू होगी 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर इस सिचुएशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मोमेंटम जीरो होने पर पर्सन को कोई भी चोट नहीं आएगी। आइए अब मोमेंटम की हेल्प से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी समझ लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम एम यू है और उस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम एम वी है, तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमें चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना होगा। इट मींस चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। इट मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप देख सकते हैं कि m दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ रहा है, तो हम m को बाहर ले लेंगे। m को कॉमन लेने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा m v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। और क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होगा m a के। इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और प्रपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने एक कॉन्स्टेंट के यूज किया है, जिसको हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी बोलते हैं। अब अगर इस कांस्टेंट k की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करें, सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा f इज इक्वल टू एम ए। इस रिलेशन को ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। और सिंपल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको ही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।